महाकाल, क्या आप जानते हैं पितृदोष कैसे बनता है और पितृदोष के होने से क्या क्या घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, उससे किस प्रकार का नुकसान हमें उठाना पड़ता है और धर्म ग्रंथों में, पुराणों में पितृदोष शांति के क्या उपाय बताए गए हैं, कैसे हम इस भयानक दोष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बिना विलंब किए हम वीडियो को प्रारंभ करें, परंतु आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अपने चैनल पर आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। चलिए बात करते हैं, पितृदोष क्यों होता है। पितृदोष का मुख्यतः जो कारण होता है वह यह होता है कि हमारे पूर्वज जो होते हैं या हमारे जो पितृ जिनकी मृत्यु हो गई है, जो पितृलोक में विराजमान है, वह हमारे कर्मों द्वारा असंतुष्ट हो, अतृप्त हो, तो वह हमें श्राप दे देते हैं और वह श्राप पितृदोष के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके बनने के कई कारण हैं, जैसे परिवार के पूर्वजों की जिनकी मृत्यु हो गई है उनका शास्त्रीय विधि के अनुसार सांतिक कर्म ना करना, पिंडदान आदि ना करना, तर्पण आदि ना करना, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन ना कराना और पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म ना करना, या परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाए और हम उस जीव के निमित्त कोई कार्य ना करें, उसकी मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कर्म ना करें, तो वह प्रेत योनि में चला जाता है और उसका जो दोष होता है वह पितृदोष के रूप में हमें प्राप्त होता है। या फिर हम अपने मां बाप को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, या किसी भी जीव जंतु को हम कष्ट देते हैं, तो वह दोष पितृदोष के रूप में हमारी जन्म कुंडली में या हमारे जीवन में बहुत ही बुरा समय लेकर आता है, जिसके कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यह पितृदोष का प्रमुख कारण है। अब पितृदोष के लक्षण क्या है, हम कैसे समझें कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं, या उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो पितृदोष का सबसे बड़ा जो लक्षण है वह यह है कि जब हमारे पितृ हमसे असंतुष्ट होते हैं, हमसे कुपित होते हैं और हमें श्राप देते हैं, तो उस पितृदोष के कारण सबसे पहली चीज हमारी आर्थिक स्थिति में गिरावट होना है। यदि हमारे पूर्वजों की कोई संपत्ति है तो वह संपत्ति धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चली जाती है, नष्ट होने लग जाती है। यदि पितृदोष का प्रभाव हमारे जीवन पर है तो या तो हमारे घर में संतान नहीं होती है, और अगर संतान होती है तो वह मानसिक रूप से विकलांग होती है, शारीरिक रूप से विकलांग होती है, उन्मादी होती है, मंद बुद्धि होती है, या किसी प्रकार के रोग से ग्रसित रहती है। या फिर यह भी हो सकता है कि विवाह ही ना हो, या परिवार में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, अकाल मृत्यु की स्थिति हो रही है, या युवा अवस्था में बिना कारण ही हमारे घर परिवार में मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो यह पितृदोष के सबसे बड़े लक्षण माने जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी उन्नति में सबसे ज्यादा बाधक होता है पितृदोष। पितृदोष के कारण पारिवारिक कलह, मानसिक अशांति, पागलपन जैसी स्थितियां बन जाती हैं। यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखते हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपके घर में, परिवार में, कुटुंब में 100% पितृदोष लगा हुआ है। आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है और वह श्राप दे रहे हैं आपको। तो हमें आवश्यकता है इस दोष को दूर करने के लिए, क्योंकि जब तक यह दोष रहेगा हमारी स्थिति में सुधार नहीं होगा, हमारे घर परिवार में उन्नति नहीं होगी, हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। हम कितना भी परिश्रम कर लें लेकिन उस परिश्रम का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि गुजारे के लिए भी धन का उपार्जन हम नहीं कर सकते हैं अगर बड़े स्तर पर पितृदोष होता है,
और कई पीढ़ी के बाद तो यह वंश को अवरुद्ध कर देता है, वंश को नष्ट कर देता है। परिवार में कोई पितरों को तर्पण आदि करने के लिए भी नहीं बचता है, क्योंकि जब आपने अपने पूर्वजों के लिए कर्म नहीं किया है तो उनके श्राप से यह दोष इतना भयानक हो जाता है कि वंश के वंश नष्ट हो जाते हैं। अब पितृ दोष का उपाय क्या है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, हम कैसे इसे दूर कर सकते हैं, शास्त्रों में इस विषय में क्या लिखा हुआ है? इसके विषय में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि परिवार में पितृ दोष है तो विधिवत तरीके से किसी तीर्थ स्थान पर जाकर पितृ दोष शांति कराएं। और पितृ दोष शांति के कई क्रम हैं। यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है और वह प्रेत आदि योनि में चला जाता है तो उसकी मुक्ति के लिए हमें नारायण बलि कराना चाहिए, उसके लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि हमें करना चाहिए। त्रिपिंडी पिशाच मोचन कराने से भी हम पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष में, आश्विन कृष्ण पक्ष में जो पितृ पक्ष जो आता है, जो श्राद्ध पक्ष आता है, उसमें पितरों के लिए नित्य तर्पण श्राद्ध पिंड दान आदि कर्म करना, यदि हम इस क्रम को करते हैं तब भी हम पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हमें पितृ दोष से छुटकारा ना मिले तो उसके लिए मात्र एक साधन रह जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण मूल पारायण। जी हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। और हमारे घर परिवार में जो भी पितृ प्रेत आदि योनि में होता है, आतृप्त होता है, असंतुष्ट होता है, तो वह इस पाठ के श्रवण से गति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है और हम पितृ दोष जैसे भयानक दोष से मुक्त हो जाते हैं। इसके और भी छोटे छोटे नियम हैं जिन्हें आप घर में नित्य में कर सकते हैं। पंच महायज्ञ बलि वैष्णदेव करके, नित्य गायत्री का जप करके भी आप पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मंत्र का जप करके भी आप पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी तिथि पर्व पर पवित्र नदी जलाशय में स्नान करके तर्पण आदि पिंड दान आदि करके भी आप पितृ दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आप घर में सर्वप्रथम रोटी गाय को देकर, देवताओं को भोग लगाकर, अतिथि को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें और नित्य अग्निहोत्र करें, नित्य आहुति प्रदान करें, तो इससे भी पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और पितृ दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो यह कुछ नियम हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्रीय नियम है, पौराणिक नियम है, इस विषय में पुराण में वर्णन मिलता है। यदि आपके घर में भी है पितृ दोष तो आपको आवश्यकता है कि विधिवत तरीके से आप उसकी शांति कराएं। अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराकर आप जान सकते हैं कि पितृ दोष कैसा है और कितना प्रभावी है और क्या दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। यदि मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आता रहता हूं। जय श्री महाकाल।